नमस्कार मित्रों, आप सभी का सरल ज्योतिष के आज के वेबिनार में, हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा दशांशा के एकादश भाव की सीरीज का सेकंड लास्ट डे है, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दशांशा के एक और जो महत्वपूर्ण भाव, उसकी विश्लेषण आज सर करेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। जी सर। हाँ, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता ही है नहीं? जी सर। जी सर। अब ये देखो, हम पहले से ही बता रहे हैं कि दशांशा थोड़ा सा ट्रिकी चार्ट है, क्योंकि ये सारे कर्म दिखाता है। जी तो वो तुम्हें, अब अगर पूरे समस्त कर्म देखते हैं तो 11वां भाव तो भाई त्रिशडाय हो गया, सबसे पावरफुल त्रिशडाय। तो जी कर्मों में रुकावट पैदा करता जी है, पर एक अच्छी बात है, अगर 11th का लॉर्ड लॉर्ड करता है तकलीफ, जी ठीक है, अगर वो भी लगन से उपचय भाव में हो जी तब वो ब्रेक थ्रू दे, ठीक जी है, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वो अच्छा काम करता है। कब करता है? अपनी दशा में, जी या उससे करते हुए उसके सिग्निफिकेशन जो है, कारकत्व है, उसके हिसाब से वो अच्छा फल दे देता है। जी तो ये तो मोटी मोटी समस्त कर्मों की, क्योंकि जब भी हम जीविका को जोड़ते हैं, जीविका ज्यादातर जब खराब होती है, जब हमारे कर्मों में कुछ गड़बड़ हो गई, सारे कर्मों, जी तो पहले हम जैसे देखते आए हैं पंचमेश और नवमेश को, कि हाँ जी वो जीविका से अच्छे भाव नहीं है, जी और यदि उनका संबंध लगन से त्रिक भाव से हो जाए तो वो गड़बड़ दे देते। जी अब मैं ही जीविका की गड़बड़ बोल रहा हूं, हाँ जी अब मैं एकादश भाव क्यों नहीं ले रहा था उसमें, क्योंकि एकादश भाव जीविका के लिए त्रिक नहीं है, जी कर्म का त्रिक है। एक्चुअली मैं, बहुत लोगों को ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं हर बार इसीलिए कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग को 3-4 बार सुने जब तक समझ नहीं आता। मैं कोई भी सेंटेंस फालतू का नहीं बोलता हूं, है बिल्कुल सर। हाँ नहीं? तो जी ये मैंने डिफरेंस बताया जी कि जब हम सारी कर्मों का लेखा जोखा करेंगे तो त्रिकेश हमारा गड़बड़ करता है, ठीक जी है, बाकी नहीं वो करने देता, जीविका में नहीं करता है, वहां से वो दूसरा है। ठीक है। तो जी सर। अब ये तो हुई मोटी सी बात कि भाई हम कैसे जीविका और अपने कर्मों का संबंध देखते हैं, जी वो बात मैंने समझाई यहां पर हाँ जी कि कैसे संबंध देखें। अब बहुत सी दफे सवाल होता है कि भाई मैं जीविका कब शुरू करूंगा, मेरी कब अर्निंग शुरू होगी, जी और वो अर्निंग कैसी मिलेगी, कैसे अर्निंग होगी, वो यहां से देख सकते। तो उसकी दशा चल रही हो एकादशेश की, ग्रह उसमें जो कोई बैठा हो, तो वो आपकी अर्निंग शुरू करा देता है, जीविका शुरू करा आपके पास देता। काफी 11वें भाव का ये सबसे बड़ा, अब देखो हम बहुत सी चीजें पढ़ते रहते हैं, पहले भी पढ़ा दशमांश में कि एम के देखो, ये देखो फर्स्ट सैलरी कब आती है अपने बिजनेस से, उससे जी सर हम भारतीय उद्योग में पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल सर
तो कब मेरी पहला कर्म होगा जिससे मुझे अर्निंग होगी, जी वो 11वां भाव है सीधा सीधा D10 का। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत किसी ने नहीं पढ़ाया है हाँ सर, नहीं पढ़ाया बिल्कुल सर ना। जी तो 11वें भाव में जी का स्वामी 11वें भाव में जो ग्रह बैठे हों जी उनकी दशा में जीविका की शुरुआत हो जाती है, परंतु वो अपनी दशा में बाकी कर्मों में जूते तोड़वा देता है, जी क्योंकि वो त्रिशडाय का स्वामी है। हाँ ओवरऑल जी कर्म ठीक नहीं होंगे, जी पर मार पीट के फिर तुम्हें जीविका तो दे ही देगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ठीक है ये फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो सकता है इसकी दशा 11th लॉर्ड की। 11वें 11वें में जो बैठा है ग्रह वो जी। फ्रस्ट्रेशन नहीं देगा, लॉर्ड एकादशेष देगा, जी जी बहुत बढ़िया परंतु अल्टीमेटली वो कुछ काम भी करा देगा। जी, बहुत बढ़िया ठीक है। जी। अब यहां से एक और बात आती है कि हाँ जी भाई नौकरी करूंगा या खुद अपने ठाट से जाऊंगा, ये करूंगा। हाँ जी तो जब वो जीविका दिला रहा है तो जो कर्म का छठा भाव है वो हमें कह रहा है नौकरी कर। जी जीविका का छठा भाव है वो कह रहा है नौकरी कर। तो जी अब किसका प्रभाव उस पर आ रहा है? अगर वो नहीं आ रहा है तो नौकरी नहीं करूंगा, फिर मैं फिर बिजनेस करूंगा जी कोई और काम करूं, या मैं जो अच्छी पोजीशन पे आदमी जाता है जहां वो अपना डिसीजन लेता है जी उसको मैं नौकरी नहीं मानता। जी अब आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ तो है, नौकरी ही कही जाएगी, परंतु यहां आप अपने डिसीजन लेते हैं। और अपने अंदर लोगों को काम करने के लिए हाँ, अब जैसे IAS ऑफिसर है हाँ जी वो डिसीजन लेता है चाहे नौकरी में है, जी जी तो उसको सेल्फ बिजनेस ही समझा जाता है। ये इंडिपेंडेंस डिफरेंस आ जाता है। जी अब कोई कुंडली लगा लो 11वें भाव को, चेक कर लेते हैं भाई। सर लगा लेती हूँ। एक सवाल और है जो बहुत बार लोग पूछते हैं, जैसे हम पहला विवाह दूसरा विवाह देखते हैं, तो क्या नौकरी छूटने पर दूसरी नौकरी के लिए भी ऐसे ही ये देती? सब दशा, ये सब दशा अच्छा ओके, उसमें भी 11th हाउस का रोल आएगा। 11th तो हाउस का आएगा, लॉर्ड का नहीं। लॉर्ड का नहीं? ओके लॉर्ड तो तकलीफ देगा ना, दौड़ाएगा। तो जी, ओके सर हाँ मैंने वो ही कहा कि जी लॉर्ड दौड़ा दौड़ा के फिर जीविका तो दे देगा, शुरुआत कर देगा जी और मेहनत कराएगा। ठीक जी ठीक है हाँ है। हाँ जी, जी लगाओ। सर, ये पिछली बार की ही धोनी सर की लगी हुई है चार्ट, तो इस धोनी की पर लगी हुई है। ठीक हाँ जी सर है। जी अब यहां 11वां भाव देख लो। जी ठीक है। जी अब जो चंद्रमा की दशा थी वो एकादशेष है। ठीक। धोनी चंद्रमा की दशा शुरू हुई, धोनी जी मेरे ख्याल में कब की बर्थ है? ये इनका बचपन का टाइम है सर, धोनी का नहीं, बर्थ कब की है, कितने साल की? बर्थ इसकी देख लेते हैं सर, 1 मिनट, इनका बर्थ टाइम जी सन 80 की है शायद बर्थ। सर, नहीं, 1 मिनट सर मैं अभी बता देती हूँ सर, 7 जुलाई 81 है। 81 की है ना। हाँ जी हाँ, तो चंद्रमा की दशा तो 4 साल की उम्र में ही आ गई ना, जी सर तो वह वैसे ही दौड़ रहा है आदमी, काम थोड़ी चल रहा है। ठीक जी सर, बचपन में है इसी ना। ने बोला जी। D10 लगाओ। D10 सर लगा देती हूँ, ये रहा सर D10 ठीक है। जी सर बुध बैठे हुए हैं यहां पर, जी चंद्रमा की दशा है, तो हाँ जी चंद्रमा तो कुछ दिया नहीं। जी ठीक है।
परंतु गेम में जरूर ले आया होगा चंद्रमा। ओके 13-14 साल की उम्र तक रहा जी तो मतलब कसरत मेहनत तो करा दी उसने। जी व्यवसाय जो शुरू होने वाला था उसके लिए जी उसके शॉप लिए मेहनत करा दी। जी सर जी सर ठीक है। जी अब आप ये देखो, बुध यहां पर बैठा हुआ है जी तो पहली नौकरी बुध दे देगा, ओके बुध दे देगा, चंद्रमा दे देगा। जी तो अब इनको जो पहली नौकरी मिली वो टीटी की टिकट चेकर की मिली थी। जी सर ठीक है। जी और टिकट चेकर की नौकरी 18-20 साल में मिली होगी। जी राहु मंगल राहु की दशा में, जी सर राहु की दिशा में क्योंकि एकादशेश जी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा ने तो दी नहीं, जी बचपन में था, जी सर और चंद्रमा उठ चुके हैं। जी तो जो पहले नौकरी राहु बढ़िया देगा, जी परंतु पहली नौकरी बुध बुध की मिली, जी सर तो हो सकता है मंगल में हाँ कोई बुध की दशा या बुध से कनेक्टेड दशा हो, सूर्य की दशा, जी उसमें जाकर के इनको टीटी की नौकरी मिल गई। ओके जी और उसके बाद जब राहु शुरू हुआ तो पौबारा कर दिए उसने, उच्च के चंद्रमा के साथ है, जीविका उच्च की हो गई, ओके क्योंकि अब राहु जो है शुक्र की तरह भी बिहेव करेगा जी और उच्च के चंद्रमा के साथ है उसकी तरह बिहेव करेगा। जी मंगल से दृष्ट है, जी शनि से दृष्ट है। जी ठीक है जी। जी सर तो मंगल जो है वो स्पोर्ट्स दिखा रहा है। जी अभी अंडी 10 में जी तीसरा भाव का स्वामी मंगल है, केतु बैठा हुआ है, जी और तीसरे का छठा भाव जो है वो शनि से खुद दृष्ट है। हाँ जी तो सारे गेम स्पोर्ट्समैन वगैरह के लिए है, D10 में तीसरा और छठा लड़ाई के लिए तैयार करता। जी कंपटीशन लड़ाई खैर जी हमारा जो टॉपिक है जी वो ये था कि भाई साहब राहु दशा जब शुरू हुई उसने मेहनत का तो काम दिया, परंतु जीविका अच्छी शुरू करा, जी ये दूसरी जीविका देगी ओके टीटी के बाद। जी सर तो पहली जीविका वो मेरे ख्याल में मंगल के एंड में मिली होगी, हाँ क्योंकि सूर्य 10 दृष्ट साल कर की रहा है हाँ मंगल में सूर्य के आसपास। 10-11 साल तक तो स्कूलिंग और फिर उसके बाद 7 साल मंगल के, तो ये पूरी निकल मंगल में सूर्य मंगल में सूर्य अच्छा 99 के आसपास, 99-2000 में आई होगी। जी सर जी सर ठीक है हाँ ठीक है। जी सर और वहां से ही ये रेलवे की रणजी ट्रॉफी में शुरू हो गया था, ओके जी मंगल में सूर्य सर रणजी ट्रॉफी में शुरू हो गया था, और वहीं से इसको इंडिया टीम में ले लिया, वहां अच्छा परफॉर्मेंस करा। जी ठीक है जी। तो 11वें भाव से हाँ जी हमें वर्क का पता चल जाता है कि कहाँ कैसे कैसे वर्क करता चल। जी ठीक। हाँ जी ठीक है सर सर एक और आगे की कहानी मैं अपनी किताब में लिखूंगा। जी सर सर ये अमिताभ बच्चन की शुरुआत भी बड़े छोटे लेवल पे हुई थी जो, तो इसलिए मैंने इनका चार्ट लिया है अमिताभ बच्चन, जी अब एकादशेश है जी बृहस्पति, जी सर तो बृहस्पति की दशा भी मिल गई भाई साहब जन्म के बाद ही, 55 12-13 साल की उम्र में, जी सर तो दौड़ाना इसने शुरू कर दिया। जी जब से व्यवसाय में कोई उन्नति नहीं, दौड़ना दौड़ भाग क्या करूं क्या ना करूं, जी वो शुरू हो गया। ओके हाँ ये उधेड़बुन दे देता है धोनी जी को भी, चंद्रमा ने, चंद्रमा हाँ जी मान लो 4 साल से 14 साल तक रहा, जी 4 साल की उम्र से हाँ जी 14 साल तक रहा, जी
वो उधेड़बुन देता रहा ना, क्या करूंगा, नौकरी करूंगा, क्या करूंगा, उसकी तैयारी वो उधेड़बुन चलती रहती है। वो ही ओके अमिताभ बच्चन के चली गई, क्योंकि जी, दशा मिल गई बचपन में ही। हाँ जी, अगर दशा ना मिले बचपन में, बीच में मिले 11th लॉर्ड की, तो उस समय भी वो परिस्थिति आ जाती है, मैं क्या करूं या ना करूं, हाँ तब भी देता है। जी त्रिशडा है, जी सर, जीविका के लिए नहीं, बिल्कुल सर, मैं यहाँ क्या से करूं। ठीक जी है जी, तो जी इसी तरह से ये आपके अमिताभ बच्चन का देख लो। जी पर जुपिटर ने जाते जाते, जुपिटर में राहु, जी राहु फिर साले नवम में बैठे हैं बलि होकर के। ठीक जी है, जी शुक्र स्वराशि का है, जी शुक्र का फल दे रहा है, भाग्य का फल दे रहा है, व्यवसाय का। तो बृहस्पति में राहु ने फिर ब्रेक थ्रू दे दिया, जी जैसा अभी तुम देख के बता रही थी कि हाँ जी 69 में उसको ब्रेक थ्रू मिला। हाँ जी तो 69 में जुपिटर में राहु ही आया होगा, शुरू हुआ होगा। जी सर, बिल्कुल और यहां सीधा बता रहा है जुपिटर में राहु। हाँ जी, बहुत बढ़िया हाँ जुपिटर ने 14 साल तो पापड़ बिलवाए, रिजेक्शन जी, बहुत बढ़िया। मिली कई दफे रेडियो के लिए मेरे इन्हें को। हाँ वही है कि ये ऑल इंडिया रेडियो में ऑडियंस ऑडिशन देने गए थे, जी सर ऑडिशन जी एज अनाउंसर, तो जी उन्होंने भगा दिया था जी कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, और भाई अब लोग उसकी आवाज के मुरीद है, के जी बिल्कुल अनाउंसर के लायक आवाज नहीं है आपकी। तो हाँ ये है भाई 11वां भाव। जी सर, बहुत ही अच्छे से समझा दिया सर, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो हम अपने मित्रों को बता दें, अगले हमारे रविवार से, इस रविवार को छोड़ के 6 अगस्त से और 13 अगस्त, ये 2 दिन हमारी कुंडली मिलान की क्लास होने वाली है, जहां एलजीबीटी के विषय पर भी पढ़ाया जाएगा और कुंडली मिलान के विषय में भी। तो जिन लोगों की क्वेरी आ रही है D9 की, ये D9 नहीं है, उसका एक विवाह को समझने के लिए उसका एक पार्ट है, स्त्री पुरुषों के संबंधों को समझने के लिए एक पार्ट है, पूरी तरह ये नवांशा नहीं। मैं बता दूं, जी सर जी ये है कुंडली मिलान। जी आप बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि कुंडली कैसे मिलान की जाए, तो हम ऐसा बता देंगे कि भाई पहले देखते ही आप कह सकते हैं इसके साथ बात बढ़ानी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, इसे फिर कैसी रहेगी शादी, मिलान वो है ना। जी अब शादी तो हो जाएगी, कुंडली मिला ली, पर आपकी अगर कुंडली में ये है कि साले दुख पाना है तेरे को, कितनी मिला ले। ठीक जी सर है, उसको ओके हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वो महत्व है कुंडली मिलान का। जी सर तो वो हम ये जो कुंडली मिलान आपको बताएंगे, ये अष्टकूट या दशकूट मिलान नहीं बताएंगे कि वो जी चंद्रमा पे 8 गुण मिलाओ और ये करो वो करो, जी वो नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंपल सीधा सीधा शॉर्टकट, जी चंद्रमा को छोड़ के वो क्या बात है सर, बढ़िया। बताया जाएगा। अब ये कुंडली मिलान से उस भ्रम में मत रहो हाँ सर, के कूट क्योंकि मिलान पढ़ाया जाएगा ना। और इसके अलावा सब पूछ रहे हैं D9 है, ये पढ़ा चुके हैं, तो ये D9 नहीं है, नवांशा अरे भाई पार्ट D9 का पार्ट ही है, है, पर उसमें आप बिल्कुल कुंडली मिलान करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं बिल्कुल, इसीलिए शादी का पार्ट है नहीं ये। हाँ, लेकिन ये डिफरेंट है, हम दूसरे तरीके से इसको पढ़ाएंगे। ठीक है सर, तो ठीक बाकी है, आप मिलते हैं सर अगले क्लास, लास्ट
दशांश का 12वां भाव हम अगली क्लास में समझेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने सुझाव हमें देते रहें। नमस्कार सर, आपका चलो बहुत भाई, धन्यवाद। चलो, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।